नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पार्ट थ्री। अभी तक हम केमिकल एग्जामिनेशन में दो पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, सेकेंड पार्ट में हमने केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में कुछ सब्सटेंस के बारे में बात करी थी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन में पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे केमिकल एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट फॉर द फॉलोइंग सब्सटेंस। देखो, सात अजूबे हम पढ़ रहे हैं यूरिन के, ठीक है। सात अजूबे में क्या क्या, प्रोटीन, ग्लूकोज, ठीक है, कीटोन बॉडीज, बिलीरुबिन, बाइल साल्ट, यूरोबिलिनोजन और ब्लड, जिसमें से अभी तक हमने प्रोटीन और ग्लूकोज ये दो कवर कर लिए। प्रोटीन और ग्लूकोज, सात अजूबे मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि नॉर्मली हमारे यूरिन के अंदर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, उनके डिटेक्शन के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उन टेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो या फिर हम यूं कहें कि कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते भी हैं, जैसे यूरोबिलिनोजन है तो वो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये सब्सटेंस हमारे यूरिन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटीज है, तो उस एबनॉर्मलिटीज के डिटेक्शन के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं यूरिन में इन सब्सटेंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटीन और ग्लूकोज, ये दो टेस्ट हम पढ़ चुके हैं अभी तक। अब हम पढ़ेंगे कीटोन बॉडीज, बिलीरुबिन, बाइल साल्ट, यूरोबिलिनोजन और ब्लड, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कीटोन बॉडीज के बारे में कि कीटोन बॉडीज आखिर में है क्या। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कीटोन बॉडीज है क्या। तो कीटोन बॉडीज नॉर्मली हमारे यूरिन के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, और ये कीटोन बॉडीज जो है वो ब्लड में भी कब बनती है, कब बनती है, जब हमें एक्सेस एनर्जी की जरूरत होती है या फिर हमारी सेल को एनर्जी नहीं मिल पाती है। एनर्जी कब नहीं मिलेगी, एनर्जी मिलती किससे, अच्छा तो ग्लूकोज से मिलती है हमें एनर्जी। तो या तो ग्लूकोज की कमी हो गई हो, या फिर ग्लूकोज जो है हमारे सेल तक नहीं पहुंच पा रही हो, एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज तो हमारी प्रॉपर बन रही है लेकिन वो सेल तक पहुंच नहीं पा रही हो, वो किस कंडीशन में होगा, जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी। जब इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, तो जब पेनक्रियास हमारा अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेगा तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज को लेकर कौन जाता है, इंसुलिन सेल के पास में, और वो जब एक्टिविटी करती है तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो उस एनर्जी को यूज में ले लेती है। व्हेन देयर इज नॉट इनफ इंसुलिन आवर बॉडी इज अनेबल टू यूज शुगर फॉर एनर्जी। हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, लेकिन इस ग्लूकोज को लेकर कौन जाता है, इंसुलिन, और जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ये ग्लूकोज जो है हमारी सेल तक नहीं पहुंच पाएगा और उसको वो एनर्जी के रूप में यूज नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो लिपिड प्रेजेंट होता है, यानी कि जो फैट होता है, फैट का क्या होने लग जाता है, व्हेन द बॉडी स्टार्ट टू बर्न फैट फॉर एनर्जी, यानी कि हमारे फैट को बर्न करने लगती है, उसको किसके लिए, जब उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उस एनर्जी को यूज में लेने के लिए, क्योंकि इतना सारा काम करती है भाई तो उसको एनर्जी की जरूरत तो लगेगी, तो उस एनर्जी की जरूरत लगती है उसको, तो वो ग्लूकोज से उसको नहीं मिल पाती है, तो उस कंडीशन में वो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करती है और उनसे वो एनर्जी लेती है। व्हेन द बॉडी स्टार्ट टू बर्न फैट फॉर एनर्जी अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, यानी कि जब मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो ग्लूकोज तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन की मात्रा कम है, इस वजह से हमारी सेल को ग्लूकोज यानी कि एनर्जी नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है कि फैट को बर्न करने लगती है और उससे एनर्जी लेती है, और उसी वक्त कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो एक पॉइंट हमारा ऊपर था, ये इसको हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। थ्री टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज आर इंक्लूड, तीन टाइप की कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट और एसीटोन, ठीक है, एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट और एसीटोन, ये तीन टाइप की कीटोन बॉडीज होती है। अब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कब हो रहा है,
जब इंसुलिन की कमी हो गई हो, और इंसुलिन की कमी हो गई मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो रही है लेकिन वो सेल तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कीटोन इन यूरिन इंडिकेट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। इंसुलिन की कमी है मतलब कि ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज है, ठीक है, तो कीटोन बॉडीज जो है वो इंडिकेट करती है यूरिन के अंदर कि आपकी डायबिटीज यानी कि आपके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उस कंडीशन को हम कहेंगे जब कीटोन बॉडीज जो है वो यूरिन में दिखाई दे रही है। इतना समझ में आया? दिस कॉम्बिनेशन मेक योर ब्लड टू एसिटिक विच कैन चेंज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन लाइक लीवर किडनी ब्रेन। मतलब कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो गई है, कीटोन बॉडीज भी आपके यूरिन में प्रेजेंट है, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपके ब्लड को एसिटिक बना देता है, एसिडिक बना देता है, और उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कीटो एसिडोसिस। आगे अभी हम पढ़ेंगे कीटो एसिडोसिस। तो अगर कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में हमारे जो कुछ ऑर्गन है जैसे लीवर किडनी और ब्रेन जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं, और उस कंडीशन में पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं हम कुछ, ठीक है, कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, जैसे हमने देखा था प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोस यूरिया, ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होता है कि कीटोन यूरिया मतलब कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन द यूरिन। अगला है कीटोनेमिया। कीटोनेमिया मतलब कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड। ब्लड में जब कीटोन बॉडीज का इंक्रीज हो जाती है, कीटोन बॉडीज का नॉर्मल लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कीटोनेमिया। अब एक कंडीशन और आती है कीटो एसिडोसिस, मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कीटो एसिडोसिस, यानी कि दिस कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, जब ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, कीटोन बॉडीज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो जो क्या करती है, ये कॉम्बिनेशन जो है हमारे बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, तो ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सीरियस डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन वेर द बॉडी प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ कीटोन्स यानी कि ब्लड एसिड। हमारे ब्लड को यह एसिड बनाती है यानी कि एसिटिक कर देती है, सॉरी एसिड नहीं, यह एसिटिक कर देती है, ठीक है, हमारे ब्लड के पीएच को यह एसिटिक कर देती है, क्योंकि ये बहुत सीरियस कंडीशन है। इट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रिजल्टिंग हाई लेवल ऑफ कीटोन एंड शुगर, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या डायबिटिक एसिडोसिस जिसे हम कहते हैं। नॉर्मल जो है प्लाज्मा लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज कितना होना चाहिए, तो लेस देन 1 mg/dL। और यूरिन का बात करें हम, तो यूरिनरी लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज कितना होना चाहिए, लेस देन 3 mg/dL। अब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, किस कंडीशन में कीटोन बॉडीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, या तो डायबिटीज मिलाइटिस की कंडीशन हो उस कंडीशन में, या स्टार्वेशन की कंडीशन में, ठीक है, स्टार्वेशन की कंडीशन में ही कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन में, या एक्सेसिव वॉमिटिंग अगर हो गई हो उस कंडीशन में, या फास्टिंग, अगर आप भूखे पेट रहते हो, आपके बॉडी को जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी नहीं मिल पाती है, तो फिर वो फैट को बर्न करने लग जाती है और कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट जो है वो हम यूज करते हैं यूरिन में कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो कीटोन बॉडीज आर यूजली एब्सेंट इन यूरिन, कीटोन बॉडीज यूरिन में नहीं प्रेजेंट होती है नॉर्मली, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं भाई, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टेस्ट उनके यूज, उनके जो रिएजेंट है एटलीस्ट उनको तो आप अच्छे से याद कर लो, प्रोसीजर में से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, उनका जो कलर आता है उनसे भी, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन हम बात करें तो रोथ्रास टेस्ट, रोथ्रास टेस्ट किया जाता है फॉर एसीटोन। हमने देखा अभी कि तीन टाइप के कीटोन बॉडीज होती है, एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। तो ये जो रोथ्रास टेस्ट है वो किसके लिए होता है, एसीटोन के लिए और एसिटो एसिटिक एसिड के लिए। और एक और होती है रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट, जो हम रिएजेंट डिप करके कलर चेंज होता है उसको देखते हैं, तो इससे भी हम एसीटोन और एसिटो एसिटिक टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हर्ट स्टेट, उसमें ये किसके लिए होती है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड के लिए। और गेरार्ड स्टेट जो होता है उसे हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं, ये एसिटो एसिडिक एसिड टेस्ट के लिए होता है।
तो हम डिस्कस करेंगे रोथ्रास टेस्ट और रिएजेंट डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं रोथ्रास टेस्ट के बारे में। अब देखते हैं कि रोथ्रास टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एसिडो एसिटिक एसिड और एसीटोन, ये क्या है, कीटोन बॉडीज है जो कि यूरिन में प्रेजेंट होती है, तब नहीं होती है लेकिन प्रेजेंट होती है, तब क्या होता है हम देखते हैं कि इफ यदि हमारे यूरिन में एसिटो एसिटिक एसिड या इसोन या यूं कहे एसिटोन या यूं कहे कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, तो वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, नाइट्रोप्रुसाइड। नाइट्रोप्रुसाइड जो रिएजेंट हम यूज करेंगे, अभी मैं रिएजेंट में आगे आपको बताऊंगी, तो वो जो नाइट्रोप्रुसाइड रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो उसके साथ रिएक्ट करेगी इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, इन एल्केलाइन मीडियम में वो रिएक्ट करेगी और क्या फॉर्म करेगी, एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी, या फिर यूं कहे तो पर्पल कलर की एक रिंग शू करेगी। समझ में आया कि यूरिन है, यूरिन में जो नाइट्रोप्रुसाइड हम ऐड करेंगे रिएजेंट, ठीक है, और यूरिन को दोनों को मिक्स करेंगे, वहां पे अगर एसिटो एसिटिक एसिड या एसिटोन यानी कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो उसके साथ रिएक्ट करेगी नाइट्रोप्रुसाइड के साथ और एक पर्पल कलर की रिंग शो करेगी रिएजेंट। देखो यहाँ पर हम तीन टाइप के रिएजेंट यूज में लेते हैं, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड और लिक्वर अमोनिया, जिसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये दोनों जो है ये इसकी जो रिएक्शन होती है इसको बढ़ाने का काम करते हैं, कौन, अमोनियम सल्फेट और लिक्वर अमोनिया। इसका यूज क्या होता है अभी हम प्रोसीजर में देखेंगे आगे, तो प्रोसीजर देखते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्या लेना है, एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें हम 5 ml यूरिन लेंगे, 5 ml यूरिन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड सैचुरेटेड इट विद अमोनियम सल्फेट। देखो यहाँ पर हम अमोनियम सल्फेट का यूज काय के लिए कर रहे हैं, उसको सैचुरेटेड करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ml यूरिन में हम अमोनियम सल्फेट ऐड करेंगे। देन हम क्या करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे स्मॉल क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड मिक्स वेल। यूरिन है, यूरिन में अमोनियम सल्फेट हमने यूज किया है उसको सैचुरेटेड करने के लिए, देन हम ऐड करेंगे ऊपर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड ऐड कर लिया हमने, उसके बाद स्लोली रन अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म अ लेयर। अब हमें क्या करना है कि हमने अभी देखा कि हमने तीन रिएजेंट यूज किए हैं जिसमें अमोनियम सल्फेट और नाइट्रोप्रुसाइड को यूज हमने कर लिया। अब ये जो लिक्विड अमोनिया है ये क्या बोल रहा है कि रन अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब है तो यहाँ पर जो लिक्विड अमोनिया हम ऐड करेंगे यहाँ पर साइड से हम इसको ऐड करेंगे इसमें, तो जब हम इसको साइड से ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक ये लेयर बना लेगा, इस तरीके की लेयर बना लेगा। अगर हमारे यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक पर्पल कलर की रिंग फॉर्म हो जाएगी और इसी के ऊपर एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये हम साइड से इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये जो लेयर वगैरह सब बन जाती है अगर प्रेजेंट है तो वो डिसमिस नहीं हो। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे हमने लिक्विड अमोनिया ऐड किया, इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर रिंग एट द जंक्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इंडिकेट अ पॉजिटिव टेस्ट। देखो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, हमने उसमें 5 ml यूरिन लिया, देन हमने उसमें ऐड किया रोथ्रास पाउडर। रोथ्रास पाउडर में मतलब कि हमने उसमें अमोनियम सल्फेट ऐड किया, अमोनियम सल्फेट ऐड किया, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड हमने ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने उसमें ऐड किया लिक्विड अमोनिया, साइड से हमने ऐड किया लिक्विड अमोनिया, हम यहाँ से साइड से इस तरीके से ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसमें लिक्विड अमोनिया ऐड करेंगे यहाँ पर एक पर्पल कलर की रिंग जो है हमें शो हो जाएगी। अगर हमें पर्पल कलर की रिंग दिखाई दे रही है मतलब कि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, और अगर कोई रिंग हमें शो नहीं हो रही है मतलब कि कीटोन बॉडीज उस यूरिन के अंदर नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि रोथ्रास नेगेटिव है, और अगर प्रेजेंट है तो रोथ्रास पॉजिटिव है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। अब हमारी सेकेंड मेथड है रिएजेंट स्ट्रीप फॉर कीटोन बॉडीज। रिएजेंट स्ट्रीप वही मैंने आपको बताई है कि उसमें एक जो स्ट्रीप आती है उस स्ट्रीप को हम यूरिन में डीप करते हैं और कलर शो करती है, उस स्ट्रीप के ऊपर रिएजेंट जो है वो क्वाइटेड होते हैं, उस रिएजेंट के साथ जो हमारा सब्सटेंस है अगर वो प्रेजेंट है तो वो रिएक्ट करता है और कलर शो करता है।
तो स्पेसिफिक मैंने आपको यहाँ पे इसमें से बताया है कि कौन सा कलर शो करता है, वो मैं भी आगे बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेसर है इसमें कि ये जो रिएजेंट की किट है, ये जो रिएजेंट है हमारे पास, किट नहीं सॉरी, ये पैड होता है, ठीक है। तो इस पैड पर क्या होता है कि रिएजेंट कोएटेड होता है, तो एसिटो एसिटिक एसिड मतलब कि कीटोन बॉडीज, ठीक है। अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो वो इसमें कोएटेड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करेगा एल्केलाइन पीएच में, एल्केलाइन कंडीशन में, और पर्पल कलर या फिर मेजेंटा कलर का कॉम्प्लेक्स शो करेगा। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस मेथड को होने में 40 सेकेंड लगते हैं। अगर ऐसा कलर आपको दिखाई दे रहा है मतलब कि नेगेटिव ट्रेस, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसको कहेंगे हम ट्रेस, ऐसा दिखाई दे रहा है तो स्मॉल, मॉडरेट और लार्ज, मतलब कि ये बोल रहा है कि पर्पल और मैजेंटा कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है मतलब कि उसके अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड इज नॉट डिटेक्टेड बाय रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। इसमें ऐसा होता है देखो कि दो तरह की ऐसी पैड आते हैं इसमें, अगर उसमें ग्लाइसिन भी कोएटेड है, ग्लाइसिन ठीक है, अगर उसमें ग्लाइसिन भी कोएटेड है तो उससे हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है मतलब कि हम एसिटो एसिटिक एसिड या एसीटोन जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कीटोन बॉडीज टेस्ट। अगला आता है हमारा क्या, बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन है मतलब कि कहीं ना कहीं जॉइंटिस की कंडीशन भी हो सकती है। अगर बिलीरुबिन मतलब आपको डार्क येलो कलर का यूरिन दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि जॉइंटिस भी हो। अब बिलीरुबिन क्या है भाई, बिलीरुबिन जो है एक येलो कलर का पिगमेंट है। क्या है, येलो कलर का पिगमेंट है जो कि आरबीसी के ब्रेक डाउन के बाद में बनता है, जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है आफ्टर 120 डेज, ठीक है। 120 दिन का जीवन काल आरबीसी का होता है और 120 दिन के बाद जब वो ब्रेक डाउन होती है तो उससे क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। तो बिलीरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ब्रेक डाउन, जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है तो जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं बिलीरुबिन। इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन कॉज जॉइंटिस, अगर बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है मतलब कि जॉइंटिस हो सकता है। देखो अब जो हम ये टेस्ट पढ़ रहे हैं ना, हमने एक मिनट में यहां पर आपको बताती हूँ, जैसे मतलब कि ये जो तीन टेस्ट है कौन कौन से, बिलीरुबिन, बाइल साल्ट और यूरोबिलिनोजन, अगर ये तीनों यूरिन में हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लीवर में दिक्कत है। लीवर सिरोसिस हो सकता है, हिपेटाइटिस हो सकता है, कोई भी लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो सकता है, हमारे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन तो रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो बिलीरुबिन जो है वो अनकंजुकेटेड से कंजुकेटेड बिलीरुबिन जो है वो हमारे लीवर के अंदर बनता है और वहीं से वो पास होता है। तो बिलीरुबिन बना, फिर बिलीरुबिन के में जो बाइल, बिलीरुबिन से फिर बाइल के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट होगा, तो जो बाइल साल्ट है वो भी उसमें प्रेजेंट है तो वो भी लीवर के थ्रू ही जाएंगे, यूरोबिलिनोजन वो भी यूरिन के सॉरी लीवर के थ्रू ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लीवर में डिसइंफेक्शन मतलब कि इन्फेक्शन हो सकता है, हमारा लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें बिलीरुबिन, बाइल साल्ट या यूरोबिलिनोजन तीनों देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों एक साथ मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये लीवर से रिलेटेड है। तो हम कहाँ पे थे, बिलीरुबिन में, ठीक है। तो अगर बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज आ रहा है मतलब बिलीरुबिन यूरिन में भी दिखाई दे रहा है और हमारे प्लाज्मा में भी इंक्रीज है मतलब कि उस पेशेंट को जॉइंडिस हो सकता है। अगला आता है कॉजेस, कौन कौन से कंडीशन ऐसे होती हैं जिसमें बिलीरुबिन जो है वो यूरिन में दिखाई देने लगते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल लीवर है, नॉर्मली में यूरिन में बिलीरुबिन नहीं प्रेजेंट होता है। किस कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है, या तो कोई लीवर डिसीज हो गई हो, या कोई लीवर सिरोसिस हो गया हो, कोई हेपेटाइटिस की कंडीशन हो गई हो, या फिर हमारे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो। यहाँ पर एन है, ठीक है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, जो बिलीरुबिन है वो आगे पास नहीं हो पा रहा है, बिलीरुबिन का लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ रहा है, प्लाज्मा में बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि
बिलीरुबिन जो है वो यूरिन में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिलीरुबिन जो है वो अगर प्लाज्मा में बढ़ रहा है तो वो फिर से किडनी के पास जाएगा फिल्टर होने के लिए, किडनी उसको फिल्टर करेगी लेकिन वो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन ज्यादा मात्रा में तो नहीं करेगी ना, उसका जो नॉर्मल काम करने का होता है कि भाई हम इतना करेंगे तो उतना ही कर पाएगी, तो वो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेगी, लेकिन बाकी का जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, तो उस कंडीशन में हमें बिलीरुबिन जो है वो यूरिन में देखने को मिल सकता है। देखो वैसे तो मैं आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो लीवर फंक्शन टेस्ट में पूरा अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अगर इसकी बात हो रही है तो मुझे लगता है कि शायद हमें एक बार इसको देख लेना चाहिए। ठीक है, तो जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है आफ्टर 120 डेज, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें से हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन निकलेगा। ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो हीमोग्लोबिन निकलेगा। अब ये हीमोग्लोबिन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन। अब ये तो ग्लोबिन भाई प्रोटीन है तो कितनी काम की चीज है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी इस प्रोटीन को फिर से यूज में ले लेगी, तो प्रोटीन को उसने यूज में ले लिया। अब हीम, हीम को भी वो ब्रेक डाउन करेगी। हीम जब ब्रेक डाउन होगा तो वो भी दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, आयरन और पोरफायरिन। अब आयरन इतनी काम की चीज है उसको भी नहीं जाने दे सकते, तो उसको भी हमारी बॉडी फिर से यूज में ले लेगी। अब बचा बेचारा पोरफायरिन जो कि किसी काम का नहीं है, तो वो पोरफायरिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बिलीरुबिन में, और यहीं से बिलीरुबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर। ठीक है, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये बिलीरुबिन जो है, इस बिलीरुबिन को हम कहेंगे अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो एल्बुमिन से बाइंड होता है। फॉर एल्बुमिन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ले जाने का काम करता है। तो ये एल्बुमिन जो है वो इस यूसीबी को यानी कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को लेकर जाएगा किसके पास में, लीवर के पास में। क्यों लेकर जाएगा इसको, कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनाने के लिए, यानी कि वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए। अभी तक जो बिलीरुबिन बना था वो इन वाटर इनसोल्यूबल था। ठीक है, अब ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा वो वाटर सोल्यूबल बनेगा। तो ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो यूजीटी एंजाइम के द्वारा ग्लूकोरिनिक एसिड से बाइंड करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कंजुगेटेड बिलीरुबिन में। ये कहाँ पे चल रही है प्रोसेस, लीवर के अंदर। अब ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन बना है ये जाएगा हमारे गॉल ब्लैडर के पास, गॉल ब्लैडर इसको भेज देगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है कि ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो कुछ माइक्रोब्स जो है उसका ब्रेकडाउन करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबिलिनोजन में। अभी यूरोबिलिनोजन भी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसका ब्रेकडाउन बताया है ताकि आपको यूरोबिलिनोजन भी समझ में आए, बिलीरुबिन भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर यूरोबिलिनोजन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो यूरोबिलिनोजन है, ठीक है, यूरोबिलिनोजन जो है वो 90% जो यूरोबिलिनोजन होता है वो, सॉरी ये यहाँ पर आएगा, 90% यूरोबिलिनोजन जो आएगा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टर्कोबिलिनोजन में, और वो स्टर्कोबिलिनोजन जो है वो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। 90% तो एक्सक्रीट आउट हो गया। अब जो 10% बचा है वो फिर से हमारे कहाँ पर चला जाएगा, सर्कुलेशन में। 10% यूरोबिलिनोजन सर्कुलेशन में चला जाएगा और वो जाएगा किडनी के पास। ठीक है, सर्कुलेशन में जाएगा तो फिर उसको किडनी के पास भी जाना ही है, तो किडनी से मुलाकात करने के बाद वो फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होकर वो चला जाएगा कहाँ पर, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल लेवल में नॉर्मल लेवल तक यूरोबिलिनोजन जो है वो यूरिन में प्रेजेंट हो सकता है। अगर उससे नॉर्मल लेवल से ज्यादा अगर यूरिन में यूरोबिलिनोजन आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो एक्सक्रीट थ्रू यूरिन, यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट इंटू यूरोबिलिन, और यूरिन का कलर जो होता है वो येल्लो कलर किस कारण से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ यूरोबिलिन। और जो स्टूल होता है उसका येलो ब्राउन कलर जो होता है वो इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। ठीक है, तो ये समझ में आया कि बिलीरुबिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो इससे आपको एक बात समझ में आई होगी कि भाई आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है,
बिलीरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट है। अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन बनेगा, ठीक है, अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो बिलीरुबिन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो उस कंडीशन में हमें जॉइंटिस देखने को मिल सकता है और यूरिन में भी हमें बिलीरुबिन देखने को मिल सकता है। तो इस बिलीरुबिन के डिटेक्शन के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम होता है फाउचेस टेस्ट। ये जो फाउचेस टेस्ट का इसका प्रिंसिपल देखते हैं, सबसे पहले कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फेट इन यूरिन, यानी कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर यूरिन लिया, ठीक है, तो यूरिन के अंदर जो सल्फेट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, तो यूरिन के अंदर जो सल्फेट प्रेजेंट है उस सल्फेट के साथ हम जो रिएजेंट यहाँ पर यूज में लेंगे बेरियम क्लोराइड, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फेट प्रेजेंट इन द यूरिन, और क्या फॉर्म करेगा, बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम क्लोराइड सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना लेगा। अब इफ बिलीरुबिन प्रेजेंट इन यूरिन इट एडहेर टू एल्बुमिन, इट एडहेर टू बेरियम सल्फेट एंड प्रिसिपिटेट, ठीक है, मतलब कि ये क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा यूरिन में जो प्रेजेंट है और बेरियम सल्फेट बना लेगा। अब ये जो बेरियम सल्फेट बना है, ये बेरियम सल्फेट जो है अगर यूरिन के अंदर, सुनना ध्यान से, कि अगर यूरिन के अंदर बिलीरुबिन प्रेजेंट है तो ये बेरियम सल्फेट जो है उस पर जाकर एडहेयर हो जाएगा, एडहेयर हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। अब प्रिसिपिटेट भी फॉर्म हो गया, बेरियम सल्फेट बना, बेरियम सल्फेट जो है वो बिलीरुबिन पर जाकर एडहेयर हुआ, प्रिसिपिटेट बना, देन इट्स रिएक्ट विद फाउचेस रिएजेंट एंड ऑक्सीडाइज्ड बिलीरुबिन इनटू ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स, और उसके ऊपर जब हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, फाउचेस रिएजेंट ऐड करेंगे, तो वो ऑक्सीडाइज्ड बिलीरुबिन जो है वो ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अगर यूरिन में बिलीरुबिन प्रेजेंट है तो वो ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और अगर नहीं है तो येल्लो कलर का ही कॉम्प्लेक्स उसका रहेगा। देखते हैं आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो येलो कलर का बिलीरुबिन है वो फाउचेस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और ये ग्रीन कलर का बिलीरुबिन बन जाएगा। रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें से। तो फाउचेस रिएजेंट जो यूज में लेते हैं हम, तो उसके अंदर कौन कौन सा होता है, पेरिक्लोराइड और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। उसके अलावा जो यूज में लेते हैं हम बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या काम करता है मैंने आपको बता दिया है। तो अगला आता है हमारा प्रोसीजर क्या होती है इसकी। सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने 5 ml जो है वो फ्रेश यूरिन ले लिया। फ्रेश यूरिन लेने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 2.5 ml 10% ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो हम बेरियम क्लोराइड ले वो हमें कितना लेना है, 10%, तो 10% हमने उसमें ऐड कर दिया, 2.5 ml 10% बेरियम क्लोराइड हमने ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया। बेरियम क्लोराइड यूरिन में प्रेजेंट सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और बेरियम सल्फेट बना लेगा, वो बेरियम सल्फेट फिल्टर टू ऑब्टेन द प्रेसिपिटेट ऑन फिल्टर पेपर, वो बेरियम सल्फेट अगर हमारे यूरिन के अंदर बिलीरुबिन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर जाकर एडहेयर हो जाएगा और प्रेसिपिटेट का फॉर्म करेगा। उसके बाद में फिल्टर टू ऑब्टेन द प्रेसिपिटेट ऑन फिल्टर पेपर, उसके बाद में ये जो प्रेसिपिटेट बना है उसको हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करेंगे कहाँ पे, फिल्टर पेपर पर, फिल्टर पेपर पर हम उसको फिल्टर करेंगे, तो टू द प्रेसिपिटेट ऑन द फिल्टर पेपर एड 1 drop ऑफ फाउचेस रिएजेंट, ठीक है, इसको हमने फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे क्या, फाउचेस रिएजेंट। जैसे ही हम फाउचेस रिएजेंट ऐड करेंगे तो इमीडिएट डेवलपमेंट ऑफ ब्लू ग्रीन कलर अराउंड द ड्रॉप इंडिकेट प्रेजेंट ऑफ बाइल पिगमेंट और बिलीरुबिन इन यूरिन। जैसे ही हम फाउचेस रिएजेंट ऐड करेंगे यहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया मतलब कि उसके अंदर बाइल पिगमेंट या फिर कहीं तो बिलीरुबिन प्रेजेंट है, और अगर नहीं हुआ उसका कलर अगर येल्लो ही रहा मतलब कि
कोई बिलिरुबिन या बाइल पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है। अगर ऐसा कलर आपको दिखाई दे रहा है प्रिसिपिटेट ऑन अ फिल्टर पेपर, मतलब कि जो फाउचेस टेस्ट है हमारा नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैंने इस प्रोसीजर को फिर से बताया है। तो हमने इस तरीके से लिया, यहाँ पर उसमें फाउचेस रिएजेंट ऐड किया, फिल्टर पेपर फिल्टर करने के बाद की प्रोसेस है। उसके बाद अगर ऐसा ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स इशू होता है, अगर ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स शो होता है मतलब कि उसके अंदर बिलिरुबिन या बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है। अब सेकंड टेस्ट जो आता है हमारा बिलिरुबिन के लिए, वो आता है रिएजेंट स्ट्रिप फॉर बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट। रिएजेंट स्ट्रिप मतलब कि वो यूरिन में स्ट्रिप को डीप करना है और कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसमें 30 सेकेंड लगते हैं। तो बिलिरुबिन जो है यहाँ पर वो डाइक्लोरोएनिलीन के साथ रिएक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम और एज़ोबिलिरुबिन फॉर्म करता है, यानी कि पिंकिश टैन कलर फॉर्म करता है अगर बिलिरुबिन यूरिन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रिप होती है इस पे कोएटेड रिएजेंट कौन सा होता है, 2-4 डाइक्लोरोएनिलीन। ये रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, ये मैडम क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे एक तो मैंने इसका कलर जो है वो अलग से बताया है तो आपको याद रह जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो रिएजेंट कोटेड रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बताने के लिए मैंने आपको इसमें रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिलिरुबिन। अब आता है हमारा अगला यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन इज अ कलरलेस कंपाउंड। बिलिरुबिन एक येलो कलर का कंपाउंड था जबकि यूरोबिलिनोजन एक कलरलेस कंपाउंड है। यूरोबिलिनोजन का फॉर्मेशन कब होता है, जब बिलिरुबिन यानी कि यूरोबिलिनोजन इज अ बिलिरुबिन डिग्रेडेशन प्रोड्यूस। ठीक है, डिग्रेडेशन यानी कि बिलिरुबिन का डिग्रेडेशन होता है तो यूरोबिलिनोजन का फॉर्मेशन होता है। कंजुकेटेड बिलिरुबिन से याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, माइंड में सब रिवाइज करो सारी चीजें कि आरबीसी से बिलिरुबिन बना। बिलिरुबिन से मैं डायरेक्टली जा रही हूँ, हीमोग्लोबिन वगैरह पे नहीं जा रही हूँ। आरबीसी से बिलिरुबिन बना, बिलिरुबिन अनकंजुकेटेड से कंजुकेटेड, कंजुकेटेड से फिर यूरोबिलिनोजन। अब ये जो यूरोबिलिनोजन है वो एक कलरलेस कंपाउंड है, प्रोड्यूस दैट इट फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ऑन कंजुकेटेड बिलिरुबिन। इसके द्वारा बनता है ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होता है वो कंजुकेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यूरोबिलिनोजन इज नॉर्मली फाउंड इन द यूरिन बट इन ट्रेस अमाउंट। मैंने आपको बताया था कि यूरोबिलिनोजन जो है वो ट्रेस अमाउंट में हमारे यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब ब्रेक डाउन होता है तो 90% तो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, लेकिन जो 10% होता है वो फिर से सर्कुलेशन में जाकर किडनी से जाता है और किडनी से फिर यूरिन में जाता है, तो वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है लेकिन एक्सेस अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए यूरोबिलिनोजन। ठीक है, या तो कोई लिवर डिसीज हो गई हो या बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो इस कंडीशन में हमें यूरिन में यूरोबिलिनोजन जो है वो देखने को मिल सकता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं कि कितना प्रेजेंट होना चाहिए, तो 0.2-1.0 mg पर डीएल जो है वो हमें यूरिन में यूरोबिलिनोजन देखने को मिल सकता है। हाई कब होगा, जब 1.0 mg पर डीएल से हमें ज्यादा देखने को मिले तब, और लो जब 0.2 mg पर डीएल से कम देखने को मिले। अब एक टर्म आती है स्टर्कोबिलिनोजन। मैंने अभी भी आपको बताई थी कि जो स्टूल का येलो ब्राउन कलर जो होता है वो स्टर्कोबिलिनोजन के कारण होता है, और यूरिन का जो येलो कलर होता है वो यूरोबिलिन के कारण होता है, या यूरोक्रोम भी कह सकते हैं हम इसको, यूरोबिलिन यूरोक्रोम। ठीक है, एग्जाम में कई बार यूरोक्रोम भी पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम यहाँ पर जो टेस्ट यूज में ले रहे हैं, टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन को डिटेक्शन के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहला टेस्ट आता है अर्लिच एल्डिहाइड टेस्ट। इन टेस्ट के नाम आपको याद रखना है, आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे एक तरफ सारे टेस्ट के नाम लिख दिए, फिर एक तरफ सामने आमने सारे जो सब्सटेंस है जैसे यूरोबिलिनोजन है तो उनके नाम लिख दिए, साथ साथ में यहाँ पर आप उनके रिएजेंट का नाम भी लिखते जाओ, तो एक ऐसा चार्ट बना लो, उस चार्ट से आप अच्छे से याद रख सकते हो क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही है। ठीक है, अगली हमारी जो रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट है वो वाली, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारी जो अर्ली एल्डिहाइड टेस्ट है उसके बारे में। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, कि विच रिएजेंट यानी कि अर्ली रिएजेंट पैरा अमाइनो बेंजल्डिहाइड इन कंसेंट्रेटेड एचसीएल।
रिएक्ट विद यूरोबिलिनोजन टू फॉर्म एल्डिहाइड विच इज रेड कलर कॉम्प्लेक्स. यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अर्लिच रिएजेंट होता है यानी कि जो पेरा अमाइनो बेंजिल्डिहाइड होता है उसको हम सबसे पहले कंसनट्रेटेड एचसीएल के साथ रिएक्ट करवाते हैं. ठीक है, हमारा जो अर्लिच रिएजेंट होता है, यहाँ पर रिएजेंट है अर्लिच रिएजेंट में हम देखते हैं कि ये डाई मिथाइलामिन बेंजिल्डिहाइड, इसको हम इस एचसीएल के साथ रिएक्ट करवाते हैं. HCl के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवा लेते हैं तो उसके बाद में रिएक्ट विथ यूरोबिलिनोजन, इन दोनों को हमने अच्छे से मिला लिया, मिक्स कर लिया, उसके बाद में विथ यूरोबिलिनोजन टू फॉर्म एल्डिहाइड विच इज रेड कॉम्प्लेक्स कलर. अगर हमारे यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है तो वो एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स शो करता है. बहुत ईजी मेथड है, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो इसकी प्रोसीजर भी हम देख लेते हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें हम 5 ml यूरिन लेंगे, फिर उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऐड 0.5 ml अर्लिच रिएजेंट. अर्लिच रिएजेंट उसमें मिक्स करने के बाद हम LO2 स्टेन फॉर 5 मिनट एट रूम टेम्परेचर 5 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद कलर शो हो जाएगा और उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे. तो हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा यहाँ पर अर्लिच रिएजेंट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा. इनको कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइमिथाइल बेंजिल्डिहाइड मिलाने के बाद ये हमारा अर्ली रिएजेंट कंप्लीट हो गया. एक टेस्ट ट्यूब ली, 5 ml यूरिन लिया, उसमें हमने एक्स ऐड किया अर्ली रिएजेंट, अच्छे से मिक्स किया, 5 मिनट का वेट किया, देन हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे रिजल्ट को. तो हम रिजल्ट भी यहाँ पर देखते हैं. हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, 5 ml यूरिन लिया, अर्ली रिएजेंट ऐड किया, अगर हमें सब पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स शो हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मतलब कि यूरोबिलिनोजन जो है वो नॉर्मल है, और अगर डार्क रेड कलर का हमें शो हो रहा है मतलब कि हाई यूरोबिलिनोजन है, यूरोबिलिनोजन की मात्रा जो है यूरिन में बढ़ी हुई है. तो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है, पिंक कलर और डार्क रेड कलर. अगला हमारी सेकेंड मेथड जो है वो आती है इसमें रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट. रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट में इसमें जो पैड होता है उसमें जो क्वाइटेड रिएजेंट होता है वो होता है पेरा डाई मिथाइलामिन बेंजिल्डिहाइड, ये एक इंडिकेटर होता है. ठीक है, प्लस यूरोबिलिनोजन यानी कि यूरोबिलिनोजन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है अगर यूरिन में प्रेजेंट है इन एसिडिक मीडियम और पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स शो करता है. जैसा हमारे उसमें था वैसा ही कलर इसमें शो होता है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है. यूरोबिलिनोजन 60 सेकेंड जो है इस प्रोसेस में लगते हैं, नॉर्मल 0.2 to 1, उसके बाद 2, 3, 4 एट जो आ रहा है. ठीक है, मतलब कि अगर डार्क पिंक कलर का दिखाई दे रहा है मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, वैसे ही ट्रेस 1+, 2+. ठीक है, तो ये एक और हमारा सब चांस कंप्लीट हो गया यूरोबिलिनोजन. अगला हमारा कौन सा आता है, बाइल साल्ट. ये हमारा थर्ड सब्सटेंस है जो कि लीवर से रिलेटेड है. अभी हमने पढ़ा यूरोबिलिनोजन, बिलीरुबिन और बाइल साल्ट. ठीक है, तो बाइल साल्ट क्या कहता है देखते हैं कि bile salt are primary component of bile, it help in the excretion of bile pigment bilirubin through bile. अब जो bilirubin का formation liver के अंदर होता है तो formation तो हो गया भाई, पर उसको लेकर कौन जाएगा, उसको लेकर कौन जाएगा, वहां पर उसको लेकर जाता है bile, और उसी bile के अंदर bile salt present होते हैं. मतलब कि ये जो bile salt है, bile के अंदर बहुत सारे component होते हैं लेकिन bile salt जो होता है वो primary component होता है bile का. तो ये बाइल क्या करता है, इस बिलिरुबिन को लेकर जाने का काम करता है. ठीक है, तो बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन तो ब्राइलियन के एक्सक्रीशन का काम करता है. उसके अलावा और क्या काम करता है कि हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड विटामिन. यानी कि ये जो बाइल साल्ट है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड विटामिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो बाइल के अंदर बाइल साल्ट प्रेजेंट होता है और ये बाइल जो है वो क्या काम करता है, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट यानी बिलिरुबिन को एक्सक्रीशन करने का काम करता है. और बाइल साल्ट जो होता है वो फैट के और विटामिन के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. तो बाइल साल्ट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द इलियम एंड रिटर्न टू द लीवर थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन फॉर रीसिक्रीशन. यानी कि बाइल साल्ट जो होता है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है इन द इलियम, इलियम में जाके रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है एंड रिटर्न टू द लीवर थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन, और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू इसको फिर से रिसेक्रेशन में पहुंचा दिया जाता है. तो नॉर्मली जो है हमारे बाइल साल्ट जो है वो यूरिन में नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन
यदि हमें कोई जैसे लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो बाइल जो है वो आगे पास नहीं हो पा रहा है, बाइल अगर आगे नहीं जा रहा है तो बाइल के अंदर प्रेजेंट बाइल साल्ट भी नहीं जा पाएगा, तो उस कंडीशन में हमारे प्लाज्मा में बाइल साल्ट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बिलिरुबिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें यूरिन में बाइल साल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाइल साल्ट आर डिटेक्ट इन वेरियस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, कोई अगर हमारे मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है उस कारण से, कोई लीवर डिसीज हो गई है, ठीक है, जैसे जॉइंटिस, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, इस कंडीशन में जो बाइल साल्ट जो है हमें यूरिन में देखने को मिल सकता है। अगला आता है कि कौन सा टेस्ट है जो कि बाइल साल्ट के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूरिन में, तो उस टेस्ट का नाम है हैस टेस्ट। हैस टेस्ट, ये जो हम टेस्ट देख रहे हैं, इन टेस्ट के प्रिंसिपल को भी हमें याद में रखना है कि कौन सा टेस्ट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस टेस्ट को, हैस टेस्ट को हम हैस सल्फर सल्फर फ्लावर टेस्ट भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, कि ये जो बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट प्रेजेंट इन यूरिन रिड्यूस द सल्फेट टेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन के अंदर अगर बाइल साल्ट प्रेजेंट है तो वो यूरिन के सल्फेट टेंशन को रिड्यूस कर देता है। यूरिन है, यूरिन मतलब एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, यहाँ पर यूरिन भरा है, तो इस यूरिन के अंदर अगर बाइल साल्ट प्रेजेंट है तो यूरिन के सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिड्यूस कर रहा है सरफेस टेंशन, तो यहाँ पर हम एक ऐसा पाउडर यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सल्फर पाउडर यूरिन, रिजल्टिंग इन द श्रिंकिंग ऑफ फाइनली सल्फर पाउडर व्हेन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ यूरिन, मतलब कि यहाँ पर हम एक सल्फर पाउडर यूज करते हैं, तो यूरिन के अंदर हम उस सल्फर पाउडर को ऐड करते हैं, अगर वो सल्फर पाउडर श्रिंक हो गया है, ठीक है, यहाँ पर अगर सेडिमेंट हो गया है यहाँ पर जाके, मतलब कि उस यूरिन के अंदर बाइल साल्ट प्रेजेंट है, और अगर ये यहाँ पर सेडिमेंट नहीं हो रहा है और ऊपर फ्लोट हो रहा है इस तरीके से जो सल्फर पाउडर हम ऐड कर रहे हैं, व्हेन लेयर ऑन द सरफेस, तो उसको हम कहेंगे कि बाइल साल्ट जो है वो यूरिन में अब्सेंट। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल, अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसीजर के बारे में। रिएजेंट हमें यहाँ पर सल्फर पाउडर यूज में लेना है, तो ये रिएजेंट तो अर्ली रिएजेंट यूरोबिलिनोजन का है, चलो ठीक है। अगला देखते हैं हमारा प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर इसमें सल्फर पाउडर इज स्प्रिंग टॉवर द सरफेस ऑफ यूरिन, यानी कि हमें एक कंटेनर लेना है, ये हमें एक ट्यूब लेना है मतलब टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हमने यूरिन लेना है, यूरिन लेने के बाद हम इसके क्या ऐड करेंगे, ऊपर सल्फर पाउडर ऐड करेंगे, अगर इफ बाइल साल्ट आर प्रेजेंट सल्फर सिंक ऑन बॉटम, अगर बाइल साल्ट प्रेजेंट है तो वो सल्फर जो है यहाँ पर सिंक हो जाएगा बॉटम में, और अगर नहीं प्रेजेंट है मतलब कि वो सल्फर जो है वो यहाँ पर फ्लोट करता रहेगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने वाटर यूज किया है एज द कंट्रोल, फिर सल्फर ग्रेन्यूल्स यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं, और अगर यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट है तो वो इस तरीके से यहाँ पर बॉटम में जाकर सिंक हो जाएंगे, यानी कि ये क्या है सल्फर ग्रेन्यूल्स। बहुत इजी मेथड है। अब देखते हैं हमारा जो अगला सब्सटेंस है, लास्ट सब्सटेंस ब्लड, अगर यूरिन के अंदर ब्लड मतलब कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, मतलब कि कोई ना कोई तो एबनॉर्मलिटी है, तो हम देखते हैं कि ब्लड में भी फाउंड इन यूरिन इन द फॉर्म ऑफ आरबीसी और व्हेन हीमोलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट हो सकता है या तो आरबीसी के फॉर्म में, या तो उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, या फिर व्हेन हीमोलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होगा जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन यानी कि हीमोलाइसिस, हीमोलाइज्ड की कंडीशन में हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट हो सकता है या आरबीसी। अब देखते हैं कि आरबीसी प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, इसको हम कहेंगे हीमेचूरिया, क्या कहेंगे हीमेचूरिया, और अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया। ये दोनों टर्म्स जो है वो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमेचूरिया और हीमोग्लोबिनूरिया। कॉज किस कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है, ड्यू टू हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, या फिर किसी सम इंफेक्शन की कंडीशन में भी हो सकता है, आरबीसी हीमोलाइसिस की कंडीशन में भी हो सकता है।
और हाँ, हमारे जब ग्लोमेरुलर के फिल्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ गई है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि ग्लोमेरुलस में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो आरबीसी को पूरा पूरा फिल्टर कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आरबीसी जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके का रेडिश यूरिन हमें दिखाई देता है जब ब्लड जो है वो यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो इसके डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं, वो है बेंजीडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बेंजीडीन टेस्ट। बेंजीडीन टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परॉक्साइड, यानी कि H2O2, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परॉक्साइड, जो बेंजीडीन सॉल्यूशन हम यूज करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परॉक्साइड बेंजीडीन सॉल्यूशन एंड द लिबरेट एक्टिव ऑक्सीजन, यानी कि जो बेंजीडीन सॉल्यूशन है वो लिबरेट करेगा एक्टिव ऑक्सीजन और दिस ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीडीन फॉर्म ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब हाइड्रोजन परॉक्साइड जो है वो हमारे बेंजीडीन सॉल्यूशन के साथ मतलब कि सॉरी हाइड्रोजन परॉक्साइड की प्रेजेंस में जो बेंजीडीन सॉल्यूशन है वो एक्टिव ऑक्सीजन लिब्रेट करेगा और उसको जब हम यूरिन के साथ मिक्स करेंगे तो दिस ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो बेंजीडीन सॉल्यूशन है वो एक ग्रीन या फिर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स शो करेगा। कब करेगा? एक तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी प्रेजेंट, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परॉक्साइड जो बेंजीडीन सॉल्यूशन है, बेंजीडीन सॉल्यूशन कैलिब्रेट करेगा एक्टिव ऑक्सीजन। उसके बाद में ये जो ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको जब हम यूरिन के साथ मिक्स करेंगे तो ये बेंजीडीन है वो क्या फॉर्म करेगा? ग्रीन या फिर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स शो करेगा यदि उसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी प्रेजेंट है तो। अब यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज में ले रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो बेंजीडीन रिएजेंट और एक हाइड्रोजन परॉक्साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें हम सबसे पहले बेंजीडीन सॉल्यूशन ले लेंगे। कितना लेंगे? 3 ml। देन हम उसमें ऐड करेंगे क्या? H2O2। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या करेगा? ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। उसके बाद में ये जो सॉल्यूशन बना है इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 ml ऑफ यूरिन और 3 से 5 मिनट के लिए वेट करेंगे। वेट करने के बाद में हम कलर को ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन परॉक्साइड के साथ में ये बेंजीडीन सॉल्यूशन रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। फिर उसके बाद में ये जो सॉल्यूशन होता है, ऑक्सीडाइज्ड सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर हम यूरिन को ऐड करते हैं और उसके अंदर हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी प्रेजेंट है तो वो कलर शो करेगा। कौन सा कलर शो करेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर ये रिएजेंट हो गया है, ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो अगर फेंट ग्रीन हमें दिखाई दे रहा है मतलब कि ट्रेस अमाउंट में है, ग्रीन कलर अगर हमें दिखाई दे रहा है यानी कि 1+, ब्लूइश ग्रीन दिखाई दे रहा है तो 2+, और अगर ब्लू दिखाई दे रहा है तो 3+, और अगर डीप ब्लू दिखाई दे रहा है तो 4+। लास्ट हमारी जो स्टेप बचे है वो है डिपस्टिक रिएजेंट स्टेप। इसमें भी वो ये कि डिटेक्ट हम इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया और आरबीसी यानी कि हिमेचूरिया दोनों ही हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन इसमें कोएटेड होता है, वो हाइड्रोजन परॉक्साइड के साथ रिएक्ट करता है प्लस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो वो ब्लू और ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यहाँ पर इस तरीके का आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये 60 सेकेंड में हमें देखने को मिलता है। तो नेगेटिव ट्रेस, मॉडरेट ट्रेस, उसमें 1+, 2+, 3+ ये कलर है जो सब में रहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हमने 7 अजूबे जो है वो जो कि यूरिन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उनके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक। और अगली क्लास में हम यूरिन के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।